आइए अनबॉक्सिंग देख लेते हैं आहूजा कंपनी के DPA 570 एम्पलीफायर का। ये 50 वाट का एम्पलीफायर है जिसमें अपन मैक्सिमम 75 वाट चला सकते हैं और इसकी MRP कुछ 6,850 रुपये दी गई है। फटाफट से इसको खोल दे लेते हैं और देख लेते हैं क्या कुछ मिलता है साथ में। मैं ये छोटा सेटअप बना रहा हूँ आप लोगों के लिए जिसमें दो यूनिट, एक एम्पलीफायर, दो चोंगा, एक माइक और उसका एक छोटा सा माइक स्टैंड। ये यूज़र मैनुअल है और इसकी टोटल आपकी कॉस्टिंग लगभग 15,000 रुपये पड़ रही है। थोड़ा मोड़ा डिस्काउंट आप डीलर से मांग सकते हैं। ये रिमोट है और ये हमारा बैटरी भी लगा सकते हैं, बैटरी से भी उसके लिए दिया गया है। फटाफट से इसकी पन्नी भी हटा देता हूँ और आपको एम्पलीफायर सामने से दिखा देता हूँ। कुछ ऐसा है, देखिए 1, 2, 3 माइक, मतलब दो आप चला सकते हैं माइक और पेन ड्राइव एक साथ या तीन माइक एक साथ। और बेस ट्रेवल दिया है, कोई मास्टर नहीं है। और अपन अभी चोंगा चलाएंगे इसमें यानी यूनिट, तो आप बेस तो बिल्कुल मत खोलिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ट्रेवल जितना खोलना खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। पीछे साइड दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ बैटरी लगाने का कनेक्शन दिया गया है, कॉमन 4, 8, 16 और 100 दिया गया है। ये देखिए 100 इधर दिया गया है, लाल पट्टी वाली नहीं है इसमें, इसमें कुछ ऐसा दिया गया है, बढ़िया है। और अर्थिंग का भी दिया गया है इस साइड, फ्यूज़ भी है और केबल भी अच्छा दिया गया है। और यहाँ लाइन आउट और ऑक्स भी दिया गया है। और मैं आपको अब ये दो यूनिट चला के दिखाऊंगा, 40 वाट के हैं दोनों, टोटल 80 वाट होता है। आहूजा का एम्पलीफायर है तो चला देगा, बाकी नॉर्मल लोकल वगैरह में आपको मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी आहूजा का है तो दो यूनिट आराम से चला देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। फटाफट से वायरिंग कर लेते हैं। और जब भी आप ऐसा वायरिंग करें तो टेप ज़रूर इस्तेमाल करें और टेप को थोड़ा अच्छे क्वालिटी का ही लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं तो नॉर्मल वाला ही यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे टेस्ट करना है। आप थोड़ा एंकर एंकर वाला यूज़ लीजिए, स्टील ग्रिप वाला लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और टेपिंग थोड़ा अच्छे से ही कीजिए। और 15,000 के बजट में ये बहुत अच्छा सेटअप है। आप चाहें तो माइक बढ़ा भी सकते हैं इसमें और जहाँ से भी आप लेंगे उससे थोड़ा डिस्काउंट भी ले सकते हैं। अब हम लोग इसको फटाफट से कॉमन और 100 में कनेक्ट कर देते हैं, एक कॉमन में और एक 100 में, क्योंकि इसके अंदर ट्रांसफार्मर लगा यूनिट में इसीलिए। और फिर इसको चला के देख लेते हैं कि कैसी आवाज़ आ रही है। ये ऑन कर दिया मैंने, अब पेन ड्राइव लगा लेता हूँ और इसका गाना चला लेते हैं और सुन लेते हैं कि कैसी आवाज़ आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आपको इधर माइक लगा के भी सुना देता हूँ कि इसमें से कैसी आवाज़ आ रही है। आप बस इतना ध्यान में रखेंगे, बेस नहीं खोलिएगा इसका, बाकी सब ठीक है। तो इसको भी सुन लेते हैं कि कैसी आवाज़ आ रही है। हेलो हेलो, अभी हम माइक टेस्ट कर रहे हैं आहूजा का 59 नंबर वाला, जो कि ये DPA 770 में टेस्ट कर रहे हैं। हेलो हेलो, तो ये छोटा सेटअप था मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। बहुत लोग जिद कर रहे थे कि छोटा सेटअप वाला वीडियो बनाइए, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। हेलो हेलो, तो अच्छा है ये, अच्छा बजट में ये हो जाता है आपका। हेलो हेलो।
हेलो हेलो, टोटल 3 माइक चला सकते हैं और पेन ड्राइव। हेलो हेलो, और 2 यूनिट। हेलो हेलो, 40 वाट के 2 यूनिट चला रहा हूँ मैं। हेलो हेलो। ये छोटा सा स्टैंड है आहूजा का, और ये 59 नंबर वाला माइक लगाया मैंने स्टैंड में। ये देखिए, ये मॉडल नंबर लिखा गया है ATS 200। अच्छा स्टैंड है, तकरीबन 650 रुपये का ये सिर्फ स्टैंड होता है, हैवी है थोड़ा। और ये 59 नंबर वाला माइक 795 रुपये का है। अच्छा माइक है, नॉर्मल आप ले सकते हैं, या फिर आप 311 411 भी ले सकते हैं। और ये वाला जो हैंडल है बहुत अच्छा मज़बूत रहता है इसमें का। अब मैं इसको गिराने की कोशिश करूँगा, देखिए गिरेगा नहीं। बैलेंस बहुत अच्छा है इसका, 650 रुपये ले रहे तो ऐसे नहीं है। देखिए कितना कर दिया मैंने इसको, गिरता नहीं है। नॉर्मल आप 200 रुपये लेंगे तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और गिरता भी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताएं। 15,000 के बजट में ये सारा सिस्टम कैसा लगा वो भी ज़रूर बताएं। और आप कहेंगे कि मैंने चोंगा नहीं दिखाया, मैंने चोंगा बस इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर चोंगा लगाता यूनिट के ऊपर तो वीडियो में वो मज़ा नहीं आता, थोड़ा आवाज़ फैल जाता और ये उतना कारगर नहीं होता फिर ये वीडियो। अगर आप सिर्फ चोंगे का वीडियो देखना चाहते हैं, उसको सेटअप कैसे करते हैं, तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा उसका, या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसको। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, बाय, फिर मिलेंगे।